हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन और आज मैं ये कोफ्ता मैं इससे बनाने वाली हूँ। ये कैबेज है, इसको बंद गोभी भी बोलते हैं, पत्ता गोभी भी बोलते हैं। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है इससे, ये इसको मैंने अभी धोया भी नहीं है, इससे मैंने कद्दूकस कर लिया। ये हाफ के जी मैंने लिया है और इसका हम कोफ्ता बनाएंगे। कोफ्ता में हम यूज करने वाले हैं, इसमें हम डाल रहे हैं एक हरी मिर्च कटा हुआ और एक छोटा सा प्याज कटा हुआ और ये धनिया पत्ता कटा हुआ है और मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ एक चम्मच, ये दो चम्मच, और जैसे भी कम ज़्यादा होगा मैं और ले सकती हूँ इसमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी आधा टीस्पून और इसमें नमक भी डालेंगे अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून मैंने लिया है। और इसमें ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर भी मैं थोड़ा सा डालूँगी, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं इन सब को मैं इस तरह से मिक्स कर दे रही हूँ। ये बेसन मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये कोफ्ता बनाना है, बॉल की तरह इसको बनाना है, तो इसमें पानी का यूज नहीं करूँगी, पत्ता में भी पानी जैसा रहता है। और मैं इसमें थोड़ा सा बेसन मिला दे रही हूँ, थोड़ा कम लग रहा है। इस तरह से मैं पूरा मिक्स कर लेती हूँ। कोफ्ता बनाने के लिए मैं करी बनाने के लिए मैं एक मिर्च यूज़ करूँगी और ये लहसुन है और ये अदरक है, ये ज़ीरा है और ये काली मिर्च है। ये खड़े मसाले हैं, मैं इन सबको पीस लूँगी और कुछ पाउडर मसाले हैं मैं उनको भी डालूंगी। तो मैं इसको पीस लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। हमने ये डेढ़ चम्मच इससे बेसन लिया है, इसको थोड़ा सा मैं भून ले रही हूँ हल्का ब्राउन होने तक। मैं कोफ्ते में यूज करूँगी इसको, तो मैं इसको पहले भून कर रख ले रही हूँ। तो ये हल्का चेंज हो गया है, अब इसको हम बंद करते हैं नहीं तो जल जाएगा। तो ये बॉल बनाने के लिए मैंने ये बेसन मिक्स कर लिया है, इसमें हाफ कटोरी हमको लगा ये बेसन, चना बेसन है। ये पूरा मिक्स हो चुका है और तेल गर्म है। ये मैं राइस ब्रैन ऑयल मोदी केयर का मैं तेल यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैं पूरा बॉल ऐसे बनाते हुए मैं तेल में डालूंगी। ये कोफ्ते इस तरह से मैं बना रही हूँ, छोटा या बड़ा आप जैसा चाहें बना सकते हैं। मैं सबको ऐसे ही करके मैं इसमें डालती हूँ। अब इतने और बच गए हैं, मैं बारी बारी से इसको बनाऊंगी। अब थोड़ा सिक जाए मैं इसको पलट लेती हूँ, फिर ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको हम पलट रहे हैं, देखिए सबको पलट देंगे, दोनों तरफ से सिक जाएगा। ये सिक गया है चारों तरफ, अब इसको हम निकाल देते हैं। तो ये कोफ्ते बनकर तैयार हैं, इस तरह से देखिए मैं इसको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी बनी है। आप स्लो थोड़ा सा आँच कर दें और ज़्यादा हाई ना करें और बस इसी तरह से पूरा बना लें, बहुत अच्छी बनती है और लगती भी अच्छी है। और इसको बनाने के लिए हम मसाले यूज़ करने वाले हैं, ये मसाले को मैंने पीस लिया है, जो खड़े मसाले हमने लिए थे
और इसमें मैं गरम मसाला 1 टीस्पून मैं लूँगी, धनिया पाउडर मैं लूँगी 1 टीस्पून, और मैं हल्दी पाउडर इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अब मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ और फिर आगे देखते हैं। जिस ऑयल में हमने कोफ्ते बनाए थे वही ऑयल है, आप चाहें तो दूसरा ऑयल ले सकते हैं, ये सरसों ऑयल भी ले सकते हैं, ये राइस ब्रैन ऑयल है मोदी केयर का, बहुत ही अच्छा बेस्ट ब्रांड का है, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ और कोफ्ते मैं इसी से बनाई थी, और ज़्यादातर मैं सरसों ऑयल या ये राइस ब्रैन ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो तेल गर्म हो गया है, अब जीरा हम इसमें 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं। और प्याज हमने छोटा सा एक प्याज कट कर लिया था, इसको डाल देते हैं। और ये तेज़पत्ता हम डाल दे रहे हैं, आप चाहें तो एक सूखा मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसको ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। थोड़ा सा नमक हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, और इसको मसाले को पकने देंगे, ढक देते हैं इसको और अच्छी तरह से मसाले को हम भूनेंगे। ये देखिए तेल ऊपर छोड़ दिया है मसाला, तेल और मसाला दोनों अलग हो गया है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालते हैं, एक टमाटर मैंने मिक्सी में पीस लिया था, इसको भी पकने देते हैं, इसको भून देते हैं, ढक दे रहे हैं। ये बेसन हमने जो भुना था इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करते हैं, इससे हम ग्रेवी बनाएंगे। ऐसे पूरा मिक्स कर ले रहे हैं, पानी इसलिए हम इसमें डाले हैं कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्स हो गया है, टमाटर मसाला दोनों ये भून चुका है। अब हम इसमें बेसन जो मिक्स किए थे उसको हम डाल रहे हैं, और थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, इसको थोड़ी देर भून लेते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं, थोड़ा कम है, बिल्कुल थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा पकने देते हैं, इसका कच्चापन खत्म हो जाए फिर पानी डालेंगे। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है, अब ये भून गया है। अब इसमें हम डालते हैं कोफ्ता जो हमने बनाया था, उसी को हम डालेंगे। मिक्स कर देते हैं, अब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। ये एक कटोरी हमने लिया है पानी, 1 कटोरी काफ़ी है। इसको अब ढक देते हैं और पकने देते हैं। देखिए ये गाढ़ा हो गया है, अब हम इसको उतार देते हैं।
तो ये कोफ्ता तैयार है। मैं इसमें धनिया पत्ता डालना भूल गई थी, उस टाइम ने दिखाना भूल गई, तो मैं बाद में ये डाली हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो चावल या रोटी के साथ आप खाइए, बहुत ही अच्छी बनी है। इंडियन स्टाइल में मैंने इसको कैबेज कोफ्ता मैंने बनाया है, आप भी इसी तरह से बनाएं। और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी बनी है और आप किस तरह से बनाते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।